अगर मैं आपसे कहूं कि पखाने की जगह पे चाहे कोई भी मसला हो, इसका एक ऐसा इलाज मुमकिन है कि जिसमें ना कोई कट है, ना कोई दर्द है, ना कोई ब्लीडिंग है, ना कोई रिकरेंस है, या दोबारा होने के इम्कानात हैं। बवासीर के इलाज के लिए ज्यादातर मरीज डॉक्टर्स के पास जाने से डरते हैं और हकीमों के चक्कर में आ जाते हैं, मगर क्या हकीमों के पास इसका वाकई कोई इलाज है? पखाने की जगह की बीमारियां कई किस्म की हो सकती हैं, मगर होम्योपैथिक या फर्जी हकीमों को जो पता है वो बवासीर का लफ्ज है। इसीलिए 100 में से चंद मरीज तो ठीक हो जाते हैं, मगर ज्यादातर परेशान ही रहते हैं। इसके बरक्स डॉक्टर्स से मरीजों को डर इसलिए लगता है कि वो सर्जरी का मशवरा देंगे, और वाकई सर्जरी एक ऐसा लफ्ज है जिससे हम सभी डरते हैं, और हर कोई, या इवन मैं भी, अगर बीमार हूँ और मुझे कोई सर्जरी का बोले तो मुझे भी खौफ होगा या डर होगा। और ज्यादातर लोगों को जो खौफ होता है वो उस चीज का होता है कि कट लगेगा और दर्द होगा या बीमारी दोबारा हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि पखाने की जगह पे चाहे कोई भी मसला हो, इसका एक ऐसा इलाज मुमकिन है कि जिसमें ना कोई कट है, ना कोई दर्द है, ना कोई ब्लीडिंग है, ना कोई रिकरेंस है या दोबारा होने के इम्कानात हैं, बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि इसके इलाज के बाद आप अगले दिन ही वापस अपने काम पे जा सकते हैं, तो क्या अब भी आप में डर रहेगा? यकीनन एक एंजाइटी जरूर होगी, मगर आई अश्योर यू कि इस प्रोसीजर में महज चंद मिनट्स लगते हैं और मरीज इस प्रोसीजर के फौरी बाद मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये लेजर के जरिए किया जाता है और दुनिया भर में यही स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट है, मगर पाकिस्तान में ये अब तक अवेलेबल नहीं था, और ये मैं पहली दफा पाकिस्तान में और खास तौर पे कराची में प्रोसीजर लेके आया हूँ। और पिछले कुछ दिनों में इसके कोई 100 से जायद प्रोसीजर कर चुका हूँ। अगर आप पखाने की जगह की किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं, चाहे आपको दर्द है या खून आ रहा है या कोई पस या पानी आ रहा है, या आपको किसी डॉक्टर ने सर्जरी का मशवरा दिया है, या आपने किसी को नहीं दिखाया और आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं, या आप इलाज कराना चाहते हैं, या इवन अगर आप लेजर प्रोसीजर के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0333-2877-351। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल, अल्लाह हाफिज।